नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। केरल और असम में कोरोना के बेकाबू होते हालातों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 16 अगस्त को राज्यों का दौरा कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार वो 16 अगस्त को केरल दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो यहां पर कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अगले ही दिन वे असम का दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान मंडाविया इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। मनसुख मंडाविया अपने दौरे के दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी मुलाकात कर हालातों का जायजा लेंगे। इस दौरान वो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय महामारी नियंत्रण केंद्र के निदेशक और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ केरल पहुंच जाएंगे। तो केरल और असम का दौरा करेंगे मंडाविया। महामारी से निपटने के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। वहीं इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी हो सकती है, बैठक भी हो सकती है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार चिंता का सबब बना हुआ है कि अगर थर्ड वेव आती है तो ऐसे में क्या तैयारियां की जाए, किस तरह से निपटा जाए, इसी बात को लेकर मुख्यमंत्रियों से मंडाविया की खास बातचीत हो सकती है। 16 अगस्त को वो दो राज्य का दौरा करेंगे। असम सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया। राज्य विधानसभा ने पशु संरक्षण विधेयक 2021 को पारित करा दिया है। इसमें किसी भी मंदिर के आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में गौ मांस की खरीदी बिक्री पर रोक का प्रावधान किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सारमा ने बिल पारित होने के बाद कहा है कि हम विधेयक में संशोधन के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष समुचित तथ्यों के साथ नहीं आया। आज पारित विधेयक कुछ नया नहीं है, बल्कि 1950 में कांग्रेस द्वारा लाए गए कानून में सुधार है। विधेयक के पीछे कोई गलत मंशा नहीं है और दावा किया गया है कि ये सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून किसी को भी गौमांस खाने से रोकने का इरादा नहीं रखता, लेकिन जो व्यक्ति ये खाता है उसे दूसरों की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए केवल हिंदू ही जिम्मेदार हों, मुसलमानों को भी इससे सहयोग करना चाहिए। तो विधेयक के पीछे कोई गलत मंशा नहीं है। मंदिर के 5 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी ऐसी दुकान नहीं होगी जहां पर गौमांस बिकेगा। वहीं यहां पर यह भी कहा गया कि ये विधेयक कोई नया नहीं है, बल्कि 1950 में कांग्रेस द्वारा लाया गया ही है, बस इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। देश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 38,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज कराए गए हैं। इस दौरान 477 लोगों की जान चली गई, जबकि 35,740 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दी है। ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 23 जुलाई को 35,144 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए थे। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। शुक्रवार को 2,521 एक्टिव केस बढ़े हैं, ये बीते 8 दिन में सबसे ज्यादा है। 5 अगस्त को इसमें 3,623 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अभी 3.81 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज हुए। यहां 20,552 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 16,856 लोगों ने इस बीमारी को मात दी है। यहां पर 11 दिन बाद इतने कम लोग ठीक हुए हैं। इससे पहले 3 अगस्त को 15,626 मरीज कोरोना से रिकवर हुए थे। तो बीते 24 घंटे में कुल नए मामले 38,000 से ज्यादा आए हैं। बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए लोग 35,000 से ज्यादा हैं। हालांकि बीते दिनों 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन चिंता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के भी मामले लगातार कई राज्यों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्लास्टिक तिरंगा बंद करने के लिए देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्लास्टिक तिरंगे को लेकर कू ऐप पर चल रही मुहिम को देश भर से जोरदार समर्थन मिल रहा है। कई मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, बड़े नेता, खिलाड़ी और सेलिब्रिटीज ने ऐप पर प्लास्टिक का तिरंगा इस्तेमाल ना करने की शपथ भी ली है। जनता से भी कपड़े और कागज के तिरंगे इस्तेमाल करने की अपील की। कू ऐप की इस मुहिम का ऐसा असर हुआ है कि हैशटैग से नो टू प्लास्टिक तिरंगा और हैशटैग प्लेज ऑन कू पूरे दिन स्वदेशी माइक्रोब्लॉगिंग साइट कू पर ट्रेंड करता रहा।
प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखने और अपने तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए शुरू की गई इस मुहिम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी साथ मिला है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल कू अकाउंट से अपने समर्थकों और आम जनता से अपील की है कि वो कभी भी प्लास्टिक के तिरंगे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कू की मुहिम है प्लास्टिक तिरंगे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक तिरंगे को पूरी तरह से ना करें और साथ ही साथ कपड़े और कागज के तिरंगे का इस्तेमाल करें। इससे प्रदूषण भी नहीं होगा, पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा, साथ ही साथ तिरंगे की शान भी बढ़ती हुई नजर आएगी। योगी आदित्यनाथ ने भी इसका समर्थन किया है। इसके साथ ही कू ऐप पर लगातार जो राजनेता हैं, जो अभिनेता हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही हैं। हैशटैग से नो टू प्लास्टिक तिरंगा भी काफी ज्यादा ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कू स्वदेशी ब्लॉकिंग साइट है जहां पर लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। तो कू की मुहिम ये चलाई गई है और इस मुहिम को जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्लास्टिक तिरंगे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसे पूरी तरह से ना करें, इसके साथ कागज और कपड़े के तिरंगे का इस्तेमाल करें और इससे तिरंगे की शान भी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो पर्यावरण है वो पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा। दो दिन बाद 16 जुलाई को देश में कोरोना टीकाकरण के 7 महीने पूरे हो जाएंगे। अभी तक 53 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है, लेकिन अगर राज्य और खुराकवार टीकाकरण की स्थिति देखें तो आंकड़े अभी भी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन ना हो पाने की तस्वीर दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, हर किसी को वैक्सीन देने की जल्दबाजी में दूसरे खुराक का टीकाकरण भी काफी तेजी से पीछे जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार 22 मार्च में हर तीसरा व्यक्ति कोरोना वैक्सीन ले चुका है, यानी कि मार्च तक जो वैक्सीनेशन है वो अच्छा रहा है, लेकिन उसके बाद से ही वैक्सीन की प्रक्रिया में तेजी लाने की तो बहुत कोशिश की गई लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन लोगों ने वैक्सीन की एक खुराक हासिल कर ली है लेकिन दूसरी खुराक का अंतर काफी है। हिमाचल प्रदेश सहित 7 राज्यों में दोनों खुराक के बीच अंतर 40% से भी ज्यादा है। दादर नगर हवेली में 95% को एक खुराक लग चुकी है, जबकि सिर्फ 13% ऐसे लोग हैं जिन्हें दोनों खुराकें मिली हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप, सिक्किम, गोवा, लद्दाख, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 60% से ज्यादा आबादी को एक खुराक मिल चुकी है, लेकिन दूसरी खुराक का टीकाकरण यहाँ अधिकतम 25% आबादी का हुआ है। दिल्ली में 43% आबादी को एक और केवल 17% आबादी के दोनों खुराक लेने की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में भी 20% को ही एक खुराक जबकि 4% को दोनों मिली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने कहा है कि कोविडशील्ड की दो खुराक के बीच 2 महीने का अंतर अच्छा है, साथ ही कहा कि 6 महीने बाद एक और डोज लेना चाहिए। लॉसेन जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के खिलाफ कुछ समय बाद एंटीबॉडी कम होने लगती है। इस पर पूछे गए सवाल पर पूनावाला ने कहा कि यह सच है कि 6 महीने बाद एंटीबॉडी घटने लगती है, इसलिए हम तीसरी खुराक लेते हैं। पूनावाला ने 2 अलग अलग वैक्सीनेशन की डोज लेने का भी विरोध जताया है। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी, नीता अंबानी और कुमार मंगलम उन 100 भारतीयों में शामिल हैं जिन्होंने दुनिया भर में परोपकारी गतिविधियों के जरिए अपनी पहचान बनाई है। अमेरिका स्थित सामुदायिक निकाय इंडिया स्पोरा ने इस तरह की पहली सूची जारी की। ये सूची 9 ज्यूरी सदस्यों के मार्गनिर्देशन और पूर्व सत्यापित सूचियों और सार्वजनिक रूप से साझा दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई है। प्रवासी भारतीयों के संगठन इंडिया स्पोरा के मुताबिक सूची में शीर्ष पर भारत के उद्योगपति गौतम अडानी, नीता अंबानी और कुमार मंगलम बिरला हैं, जबकि अमेरिका में मोंटे अहूजा, अजय बंगा और मनोज भार्गव शामिल हैं। संगठन के संस्थापक MR रंगास्वामी ने कहा कि हमारे समुदाय के इतने सारे परोपकारी लोगों को देखना अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक है जिन्होंने अपनी सफलता को सामाजिक प्रभाव में बदल दिया। उन्होंने कहा कि सभी उद्यमी उदारता के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में काम करते हैं और हम उन कई मुद्दों की याद दिलाते हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो दुनिया भर के परोपकारियों में हिंदुस्तानी अडानी, नीता अंबानी और कुमार मंगलम शामिल हैं और ये पूरी लिस्ट तैयार की गई है। दुनिया भर के परोपकारियों में हिंदुस्तानी लगातार सबसे ज्यादा शामिल नजर आ रहे हैं। पिछहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकी हमले के इनपुट्स मिले हैं। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को इनपुट दिए हैं और खालिस्तान समर्थकों के इरादे साफ किए हैं। खालिस्तानी समर्थक 15 अगस्त वाले दिन या उससे पहले दिल्ली और पंजाब में ऐतिहासिक इमारतों समेत अन्य जगहों पर खालिस्तानी झंडा फहरा सकते हैं या फिर कोई और बड़ी गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसे देखते हुए राजधानी में सुरक्षा
चाक चौबंद कर दी गई है। जगह जगह तलाशी अभियान सघन कर दिया गया है। देश के खिलाफ विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को इनपुट दिए हैं। इनपुट को लेकर खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया। दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारी जूनियर अधिकारियों को ब्रीफिंग के दौरान खालिस्तानी इनपुट के बारे में जानकारी देने की बात कह रहे हैं और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खुफिया विभाग ने इनपुट दिए हैं कि खालिस्तान किसानों को भड़काकर कहीं भी उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। इस दौरान खालिस्तानी समर्थक ऐतिहासिक इमारत या फिर धार्मिक स्थलों पर अपना झंडा भी फहरा सकते हैं। खुफिया अलर्ट में कहा गया है कि खालिस्तानी 14 अगस्त की रात 12 बजे से लेकर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान या फिर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद झंडा फहराने के साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी फैला सकते हैं। 15 अगस्त वाले दिन लाल किले पर कार्यक्रम होने के बाद भी खालिस्तान समर्थक गड़बड़ी या फिर कहीं भी झंडा फहरा सकते हैं। लाल किले पर कार्यक्रम होने के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था ढीली हो जाती है, लेकिन इस बार ये व्यवस्था 16 अगस्त तक जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो झंडा फहरा सकते हैं धार्मिक स्थलों या फिर लाल किले की प्राचीर पर, तो ऐसे में लाल किले को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और एक पूरा चक्रव्यूह तैयार किया गया है ताकि परिंदा भी लाल किले पर ना मार पाए। जम्मू कश्मीर में ड्रोन का लगातार इस्तेमाल कर रहे आतंकी संगठनों को अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले सेना ने नियंत्रण रेखा पर गैटलिंग एंटी ड्रोन गन तैनात कर दी है। ये गन ड्रोन दिखते ही सटीक निशाना लगाकर उसे मार गिराएगी। सेना की ओर से खुद तैयार की गई ये खास गन एक साथ ड्रोन पर ट्रेस बुलेट से फायर करेगी। अखनूर के पानावाला सेक्टर में इसको LOC पर कई लोकेशन पर तैनात कर दिया गया। सीमा पार से लगातार ड्रोन से घुसपैठ को देखते हुए इसे तैनात किया गया है। खास बात यह है कि इसे तैयार करने में सेना ने बाहर से कुछ नहीं खरीदा, खुद विकसित की गई तकनीक से तैयार की गई है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ड्रोन से हथियार और गोला बारूद भेजा जा रहा है। आतंकियों ने जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला भी किया। ड्रोन से निपटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था, जिसके लिए सेना ने उक्त गन को तैयार किया। 3 इंसास राइफल को एक खास तरह से तैयार किया गया है और एक फ्रेम में जोड़ा गया है। तीनों को एक ही ट्रिगर बनाया गया है। एक लोहे के पिलर पर इसे बनाया गया जो कि 360 डिग्री में घूम सकती है। इसे बुलेट के साथ ट्रेसर भी लगाया गया है। जैसे ही ड्रोन दिखेगा इसमें से एक साथ 3 बंदूकों से 3 बुलेट निकलेगी। ये ट्रेसर अपने साथ एक रोशनी वाली लकीर खींच देगा, इससे पता चल जाएगा कि ड्रोन किस दिशा में है। इसके बाद फिर से ट्रेसर के साथ 3 गोलियां एक साथ 3 बंदूकों से निकलेंगी जो ड्रोन पर निशाना लगाने के मदद करेगी और पूरी तरह से 800 मीटर ऊंचाइयां और 400 मीटर सामने की दिशा में ये मार कर सकती है। तो आतंकियों के खिलाफ अब पूरी तरह से अलर्टनेस देखी जा रही है। LOC पर एक साथ 3 बंदूकों से ड्रोन पर प्रहार किया जाएगा। दरअसल बीते कई दिनों से संदिग्ध ड्रोन जो हैं वो सीमा पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त कर दी गई है और ये जो गन है वो सेना द्वारा बनाई गई है, बाहर से किसी भी चीज का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। ऐसे में पूरी तरह से इन ड्रोनों पर निशाना लगाने में सक्षम है और दूर से ही इस पर निशाना लगा सकती है और मार गिरा सकती है। पिछहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी सरकार आजादी के गुमनाम नायकों को सम्मानित करेगी। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी के उन दीवानों को मोदी सरकार याद करेगी जो आजादी के बाद इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। मोदी सरकार ऐसे नायकों को सम्मानित करेगी। इस कड़ी में सरकार गुमनाम नायकों के स्वाधीनता संग्राम में योगदान को रेखांकित करेगी और कई कार्यक्रम और व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। तो देश के गुमनाम नायकों को सम्मानित किया जाएगा। करीब 15 अगस्त के मौके पर 146 नामों की सूची पूरी तरह से तैयार है। कुछ ऐसे भारत माँ के वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राण नौछावर कर दिए उनके लिए ये सम्मान रखा गया है। साथ ही साथ उन नामों को चिन्हित किया जाएगा जिन नामों की को कोई पहचान नहीं मिल पाई है और देश भर में लोग जो हैं उन नामों को नहीं जानते हैं। तो ऐसे में अब मोदी सरकार ये तैयारी कर रही है कि जो गुमनाम नायक हैं उनको सम्मानित किया जाना चाहिए और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके परिवारों को सम्मानित किया जाएगा।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक इंडिया के प्रमुख सत्य यादव को आयोग के सामने पेश होकर ये बताने के लिए कहा है कि उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस पोस्ट के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जिसमें उन्होंने अपनी पहचान का खुलासा किया था। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने नाबालिग लड़की के परिवार से मुलाकात की, ऐसी तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। बाद में उन्होंने ट्विटर पर लड़की के माता पिता के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। इंस्टाग्राम एक फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक के स्वामित्व में है। दिल्ली के एक शमशान में कूलर से पानी लेने गई लड़की की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लड़की के माता पिता ने आरोप लगाया कि उसके साथ रेप किया गया है और उसके शरीर का जबरन एक शमशान में अंतिम संस्कार किया गया और माता पिता को नहीं बताया गया, जिसने झूठा दावा किया कि उसे बिजली का झटका लगा था। आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग को लेकर पीड़िता के माता पिता सहित सैकड़ों स्थानीय लोग राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन लगातार करते हुए नजर आए थे। ऐसे में राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वहां पर उन्होंने माता पिता के साथ एक फोटो भी क्लिक कराई जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली थी। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी डाला था जिसको लेकर राहुल गांधी का जो ट्विटर अकाउंट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया गया था। ऐसे में पिछले 7 दिनों से राहुल गांधी इस बात को लेकर लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही साथ ये कह रहे थे कि इस देश में आवाज दबाई जाती है। तो अब एक वीडियो भी राहुल गांधी ने कल जारी किया था। तो NCPCR ने फेसबुक 17 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। ये पूरा मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। तो NCPCR ने फेसबुक को 17 अगस्त को पेश होने के लिए कहा। राहुल गांधी इंस्टाग्राम पोस्ट पर घमासान लगातार मचा हुआ है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, हर जगह पर राहुल गांधी को जो अकाउंट था वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। इसके अलावा तमाम और कांग्रेसी नेता थे जिनके अकाउंट बंद कर दिए गए थे। ऐसे में पूरे देश में बवाल मचा हुआ था। कल राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था दिल्ली में हुए रेप कांड को लेकर। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर यहाँ पर 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर उसके शव को जलाने की भी कोशिश की गई थी। माता पिता ने आरोप लगाया जिसको लेकर तमाम लोग जो हैं वो कैंडल मार्च करते हुए भी नजर आए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये मांग की थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक कुछ कहा नहीं गया है। इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करने की बात कही गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जल्द ही जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने गए, वहां पर लड़की के माता पिता के साथ फोटो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली है, एक वीडियो भी डाला है जिसको लेकर बवाल हो गया। वहीं ट्विटर की तरफ से और फेसबुक की तरफ से कहा गया था कि भारतीय कानून के खिलाफ है ये। इसी वजह से राहुल गांधी का जो इंस्टाग्राम पूरी तरह से अकाउंट था, जो फेसबुक था और ट्विटर था, उसे ब्लॉक किया गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।